प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला ने एक युवक के नाम और धर्म छिपाकर दोस्ती कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप ये भी लगाया है कि युवक ने धर्मांतरण का दबाव भी बनाया। पुलिस के मुताबिक अंकुर बिहार थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में महिला बच्चों के साथ रहती थी। करीब एक साल पहले महिला के संपर्क में एक युवक आया। उसने धर्म और असली नाम सलमान छिपाकर महिला से दोस्ती की। आरोप है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने अपना नाम अंकित गुर्जर बताया। उसकी भजनपुरा में जूते की दुकान है। उसने महिला को नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इस दौरान वो महिला के साथ रहने लगा, शादी करने का झांसा दिया। आरोपी महिला से पैसे भी लेता था। आरोपी का भंडा तब फूटा जब एक दिन आरोपी के फोन पर एक दोस्त की कॉल आई और तब जाकर महिला को उस शख्स की सच्चाई का पता चल सका। सर, थाना अंकुर विहार पर एक धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज हुआ है, क्या वो पूरा प्रकरण है? इसमें अन्नु नाम की महिला, जो जिसके पति का देहांत हो गया है, 3 बच्चों की माँ है, 35 साल उम्र उसकी है, उसने एक तहरीर दिया थाने पर आके कि हमारे साथ एक लड़का जो पहले से साल भर से दोस्ती उससे चली आ रही थी, उसने अपना नाम अंकित गुर्जर बताया था। वो उसको उसका उसके साथ वो साल भर से रह रही थी। इस बीच उसको मालूम चला कि सलमान, उसका नाम असली नाम सलमान है। इस पर उसका झगड़ा उससे लगातार चल रहा था। वो सलमान ने उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया। इस पर मारपीट और भी उसके ऊपर प्रताड़ना किया गया। उस पर उसने थाने पर आके शिकायत किया, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभी आरोपी को हिरासत में लिया गया है? आरोपी हिरासत में ले लिया गया है। महिला का मेडिकल कराने के लिए मेडिकल भेजा गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होना समाज में चिंता का विषय बना हुआ है।